हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अब टाइम हो जा रहा है, 5 बज चुके हैं शाम के। और मैं अभी अभी जस्ट नहा के आई हूँ और मैंने एक कलर की साड़ी पहनी है। और आप सोच रहे होंगे ये कौन सा टाइम है नहाने का। ऐसा नहीं, मैं सुबह नहाकर खाना वाना सब बनाकर सबको खिला चुकी हूँ। बस मेरे लिए खाना नहीं खाया क्योंकि आज नाग पूजन है, तो फिर खाना खा के मैं नहीं करती। और मैंने फल खा लिए हैं और चाय भी पी ली है। बस नाग पूजन की तैयारी करते हैं। फिर सबसे पहले चलते हैं किचन में। पहले हम नाग देवी बना लेंगे, फिर पूजा संपन्न करेंगे। चलिए आप भी। ये नाग देवी बनाने के लिए ना, ये चना दाल ली है मैंने आधा किलो, और इसे मैंने कुकर में डाल के गैस पे चढ़ा दे रही हूँ। और ये वही वाला पूरन बनता है जो पूरन पूली बनते हैं ना वैसा। और ये मैं दीपक को तोड़ के लाने के लिए बोली हूँ, जो तोड़ के ला रहे। ये तोरे मार्केट में नहीं मिलती है, ये ऐसे ही देखिए ऐसी हाल लगी है, ये वाली तोरई है ये। और इससे मैं पकौड़े बना रही हूँ। पहले इसे धो के मैंने काट लिया है बारीक इस तरह से। और प्याज हरा धनिया सब बारीक काट लिया है। और ये अजवाइन है। और ये कटोरी मैंने बेसन लिया है, इसमें ये अजवाइन अच्छी तरह से हाथ से मसल के इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और इसमें मैं मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक सब इस बेसन में मिलाकर फिर इसमें तोरई, कटी हुई प्याज और कटा हुआ हरा धनिया सब डाल के मैं इसे पानी डाल के बैटर तैयार कर रही हूँ पकौड़े का। देखिए इस तरह से इसे ढक कर रख दूंगी। और ये देखिए ये प्याज है जो मैं ये पूरन पोली बना रही हूँ ना, इसमें ये आमटी भी बनती है, उसमें ये भुनी हुई प्याज भी डाली जाती है। तो पहले तो हम चूल्हे पे इसे अच्छी तरह से भून लेते थे, मगर अब क्या करें, कोई तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसे इस कड़छी में ऐसे अंदर डाल के फिर मैंने इसे गैस पे रख दिया, तो अच्छे से भुन गई प्याज। और ये दाल भी पकी है। अब मैं इससे ये गैस निकाल दे रही हूँ पकड़ लगा के। देखिए एकदम नरम दाल पकनी चाहिए, पूरन पोली की दाल। और चना दाल पकने में थोड़ी देर भी लग जाती है, तो बहुत देर हो गई मैंने इसे रखे हुए, कम से कम 1 घंटा तो हुआ होगा। और मैं इसमें का ये पानी निकाल दे रही हूँ ताकि मैं इस पानी से आमटी बना सकूँ बाद में। इसे ढक के रख देती हूँ। पहले इस दाल को मैं फिर से गैस पे रख देती हूँ ताकि इसका पानी जो भी अंदर है वो सब जल जाए। और इसके अंदर मैं 1/2 किलो दाल ली थी, तो इसके अंदर मैं 1/2 किलो से थोड़ा कम गुड़ डाल दे रही हूँ। और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ ताकि गुड़ अंदर अच्छे से पिघल जाए सारा। और गैस धीमी करनी है, ज़्यादा फुल गैस ना करनी है या नहीं करनी है, नहीं तो दाल नीचे लग सकती है। धीमी गैस पे इसे अच्छे से ऐसे मिलाते रहना है जब तक गुड़ अंदर अच्छे से मिल ना जाए तब तक। देखिए इस तरह से और ये 2-3 इलायची ली है मैंने जो बारीक कूट के इस दाल के अंदर डाल दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और इसमें चुटकी भर नमक भी डाल दिया है मैंने ताकि पूरन पोली का टेस्ट और भी बढ़ जाए। ये देखिए गुड़ अंदर पूरी तरह से पिघल गया है और थोड़ी सा जैसे पतली हुई है दाल। और इधर मैंने इमली भी रख दी है और ये मैंने आटा भी लगा लिया है। और इसे ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए इस आटे को, और ये दाल को भी चलाते रहना है। देखिए गाढ़ी हो गई दाल। अब इसे मैं इस पूरन पात्री में डाल के अच्छे से इसे निकाल लूँगी। ये पूरन पात्री तो सबके घर में होती है। इस तरह से अच्छे से ताकि पूरन पोली एकदम नरम बने। ये देखिए हो गई सारी दाल मेरी निकालनी। अब इस कुकर में मैं पानी डाल के रख देती हूँ ताकि आमटी करते समय यही पानी चाहिए होता है जो कुकर धुल के लेना पड़ता है पानी, तो मैंने डाल के कुकर
गैस पे चढ़ा दिया है ताकि गर्म हो जाए थोड़े पानी। और ये दाल देखिए, मैंने सारे दाल पूरन पात्र से निकाल ली एकदम बारीक पीस कर। और ये पानी भी मैं कुकर धुल के ले रही हूँ। और ये आमटी बनाने के लिए सूखा नारियल कूट लिया है, लहसुन, हरा धनिया और ये प्याज भुनी हुई, और ये इमली जो पक गई है। तो पहले इस इमली का पल्प निकाल लेती हूँ इस तरह से। देखिए कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी मैंने। अब इस दाल के पानी में मैंने नमक और हल्दी मिर्च सब डाल दिया है। और इस कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है। और इसमें मैंने राई जीरा डाल के जैसे ये चटकता है तो इसके अंदर मैं ये लहसुन भी डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह से लहसुन डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी। और इसी में मैं जो हम सूखा नारियल कूट के रखे थे वो भी इसी के अंदर डाल दे रही हूँ। और इसे भी अच्छे से मिला लूँगी। और इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देना है। इसे भी अच्छे से चलाकर भून लेना है मसाले को अच्छे से। और ये कूटी हुई प्याज भी जो भून कर कूटा था ना हमने, वो वाली प्याज भी डाल के अच्छे से मिला लेना है। और थोड़ी सी हल्दी, हम उस पानी में थोड़ी हल्दी डाली तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डालना है कलर के लिए। और ये मैंने डाल दिया ये पानी जो हमने निकाला था दाल में से। और ये कुकर धुला हुआ पानी भी मैंने इसी में डाल दिया है, इमली का पानी, सारा पानी इसमें डाल दिया है। अब इसमें नमक डालना है स्वाद अनुसार और ये गरम मसाला, धनिया पाउडर। देखिए तैयार हो गई कड़ी या आमटी। और मैं इधर ये चावल रख दे रही हूँ। इसे 3 से 4 बार अच्छी तरह से धुल लेती हूँ पहले चावल को मैं। और इसमें नमक और थोड़ा सा घी मिलाकर फिर मैं गैस पे चढ़ा दूंगी कुकर। और इधर ये आमटी भी तैयार हो गई। और इधर मैंने ये चावल भी रख दिए। थोड़ा सा जुगाड़ होता है पूरन पोली बनाना, ये सब बनाना होता है इसमें। और हमें भोग भी लगाना है इसीलिए सब साहित्य सब बना लेना है। और ये मैंने जो आटा पे ये बना कर रखा हुआ था ना, ये बेसन का आटा, तो जो पकौड़ी बनाने वाला है तो अब मैं उसके पकौड़ी बना लेती हूँ। ये देखिए पकौड़ी, ये तोरे की पकौड़ी बहुत टेस्टी बनती है, कभी बनाकर खाइए आप भी। ये देखिए हो गई है लगभग। देखिए इस थाली में मैं इस पकौड़ियों को निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने सारी पकौड़ी ऐसे ही तल ली। और ये आटा अभी थोड़ा मैं अच्छे से नरम कर ले रही हूँ पानी लगाकर, क्योंकि पूरियों के लिए आटा थोड़ा नरम ही चाहिए होता है। पहले तो मैं दिए बना लूँगी जो हमें पूजन करना है ना नागदेवी का, तो पहले मैं ये दिए बना लूँगी, फिर पूरियाँ बाद में होती रहेंगी।
सारे दिए मैंने जला लिए, सारे नहीं पांच दिए जलाए और चार पीछे रख दिए हैं घी और दूध डाल के, और मैं आरती भी कर ले रही हूँ। और मैंने भगवान, अब मैं फटाफट से पूरन पोली बना लेती हूँ और खाना भी खाना है क्योंकि व्रत है, बहुत भूख लगाई है, तो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। अब मैं पूरन पोली बना के फिर सारा खाना लगा लेती हूँ सबके लिए खाने के लिए। और ये दो मैं छोटे छोटे गाय के लिए बना ले रही हूँ क्योंकि मैं भगवान को भोग लगा चुकी हूँ। अगर अब रात में गाय नहीं है तो मैं बनाकर रख दूँगी, सुबह दे दूँगी। और ये मैं आटा लेकर इसमें इसकी पारी बना दे रही हूँ और इसमें मैं ये पूरन भर दे रही हूँ और अच्छे से इसे ऐसे बंद कर दे रही हूँ इसका मुँह ताकि ये ना खुट पाए। और इसे अच्छे हल्के हाथों से मैं बेल ले रही हूँ ताकि इसके अंदर से पूरन बाहर ना पाए। पतली सी पूरन पोली मैंने बना दी और उसको तवे के ऊपर डाल दिया है। और अभी एक पूरन पोली मैं तैयार कर ले रही हूँ नीचे, तब तक वो सीख जाएगी ऊपर की। ये भी उसी तरह से हल्के हाथों से मैं बेल ले रही हूँ। और इसे तेल लगा के अच्छी तरह से सेक ले रही हूँ ताकि नरम बने और फूली फूली सी बने। ये देखिए तैयार हो गई, एक पूरन पूली मैंने तैयार कर ली। देखिए इस तरह से कितनी फूली फूली बनी है ना, इसी तरह से मैंने सारी पूरन पूली बना ली। और मैं थाली भी लगा लेती हूँ। आ जाइए आप भी, सभी थाली लगी है। अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।